हमारा मेडिकल कॉलेज रामपुर गेट पे है और यहाँ पे एक शनि महाराज का मंदिर है और ये है हमारा मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। और यहाँ पे हम एंट्री करते हैं और ये आगे जा रही है हमारा हल्द्वानी वो हॉस्पिटल है, सुशीला तिवारी मेडिकल। और ये हमारे गार्ड साहब, और ये हमारे बराबर में केंद्रीय पुस्तकालय है। केंद्रीय पुस्तकालय देखिए, जो यहाँ पे बच्चे रोज आते हैं पढ़ने। और चलो आपको लाइब्रेरी का एंट्रेंस दिखाते हैं, टूर कराते हैं हम। वैसे आज खाली है क्योंकि आज संडे है और लाइब्रेरी खुलती है 10 बजे के अराउंड और 5 बजे बंद हो जाती है लाइब्रेरी, बट समय चेंज हो चुका है मंडे टू सैटरडे। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको बनती हुई, ये टीबी चेस्ट की बन रही है जो कि अब तक यहाँ की गवर्नमेंट हल्द्वानी की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। अरे बनते ही जा रही है, बनते ही सालों साल हो चुके हैं। और ये देखिए लाइब्रेरी, हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है। सेंट्रल लाइब्रेरी है नर्सिंग मेडिकल कॉलेज है हल्द्वानी और यहाँ पे आजकल कोविड की वैक्सीन लगी जा रही है। हम सबको लगवाना कोविड की वैक्सीन जरूरी है, कृपया करके सभी डबल वैक्सीनेटेड हो जाएं। कैंपस के अंदर घुसते हैं और सामने हमें श्री भोलेनाथ जी की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर, जो हमें यहाँ पे पॉजिटिव वाइब देगी, यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे कॉलेज के अंदर घुसते हुए लेफ्ट हैंड साइड में इंदिरा गांधी की मूर्ति स्थापित है यहाँ पे। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जब एक रोड कट होती है वहाँ पे यहाँ पे मेडिकल एजुकेशन यूनिट है, फिर यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनता है। यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पे एडमिशन होते हैं, प्लस यहाँ पे जितने भी यूजी स्टूडेंट हैं मेडिकल स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती हैं। और यहाँ पे जब रैगिंग का केस आता है तो यहाँ पे एंटी रैगिंग कमेटी बैठती है जहाँ प्रिंसिपल ऑफिस के बराबर में होता है। यहाँ पे हमारे श्रीमान प्रधानाचार्य जी यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे सबसे बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने ही एक बुद्धा की मूर्ति है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बराबर में यहाँ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ फर्स्ट ईयर क्लासेस चलती हैं। और यहाँ पे आगे चलते हुए फिर एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, सामने ही आपको दिख रहा होगा। और ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट है हमारा जो काफ़ी बहुत पुराना है। मिशन हॉल है जो आज संडे है, नहीं तो हम आपको अंदर का टूर करा सकते थे, बट यहाँ पे हम असफल हैं इस टाइम पे। मैं अपने डिपार्टमेंट के लेफ्ट साइड पे एक रोज रोड जा रही है, वहाँ पे हम एलटी लेक्चर थिएटर है जहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर की क्लासेस चलती हैं। यहाँ प्रोफेसर आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये लेक्चर थिएटर हमारा ऐसे कुछ ऐसा दिखता है। और सामने ही यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन टाइप है जहाँ पे हमारे गार्डनिंग कर रखी है हमारे एलटी लेक्चर थिएटर के बराबर में यहाँ बायोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पे कोविड या वायरल डिजीज की जांचें होती हैं। आप और कैंटीन के पीछे जैसे यहाँ पे पीएम डिपार्टमेंट और पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट है जहाँ पे
थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर की क्लासेस चलती हैं, थर्ड ईयर की मेनली थर्ड ईयर की क्लासेस चलती हैं। करेंटी के जस्ट पीछे ए सी एम डिपार्टमेंट है, एंड देन आगे चलकर जाएंगे तो आप फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ये हमारी कॉलेज कैंटीन है, बट जो काफ़ी टाइम से बंद है क्योंकि यहाँ का टेंडर अभी तक किसी को मिला नहीं है, और ये जस्ट उसके बराबर में ही पैरल्टी है जहाँ पे क्रिसेंडो की तैयारी करी जाती है, और फिर यहाँ पे स्क्रिबल्ड होता है, रोड आती है जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की लेबोरेटरी बेस्ट। आगे चलकर आप चलेंगे तो यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल लंबा सा स्ट्रेस है, जहाँ पे कोविड हॉस्पिटल बना रखा है, जहाँ पहले ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पे बहुत मनोरंजन जैसी चीज़ें हुआ करती थी, यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया DRDO ने, जहाँ पे क्रिसेंडो हुआ करता था पहले बहुत। कोविड हॉस्पिटल के सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे इसी रोड के आगे चलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा माइक्रो डिपार्टमेंट पड़ता है, और उसके जस्ट राइट में यहाँ पे पैथो डिपार्टमेंट पड़ता है, और इसके जो यहाँ पे है जो ये बिल्डिंग दिख रही है आपको पेड़ के पास, ये केंद्रीय पुस्तकालय हुआ करता था पहले, बट इस टाइम पे चेंज कर दिया गया जो यहाँ पे हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। सामने जो एग्जिट यहाँ पे एग्जिट है यार, जस्ट यहाँ पे आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे तरण ताल है, जहाँ पे स्विमिंग पूल है, जहाँ पे इसकी एंट्री फीस 600 रुपये है, और यहाँ पे भंडार गृह है जहाँ पे आजकल जो यहाँ पे काम चल रहा है यहाँ पे सामान रखा जाता है उनका, और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। आगे चलकर आप जाएंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे लोग जहाँ पे स्टूडेंट्स खेलने आते हैं, यहाँ पे बैडमिंटन है, यहाँ पे जिम है, और आगे चलकर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल बन रहा है, यहाँ पे नीचे इसकी कैंटीन है जो आगे चलकर आगे कुछ सालों में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा इस मेडिकल कॉलेज का, और यहाँ पे कुछ आपको खेलने के लिए बड़े छोटे छोटे से चलेंगे यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड पे प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के हॉस्टल से, ये क्या प्रॉब्लम है।